नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज मैं ऊपर वीडियो बना रहा हूँ ताकि शोर कम हो। कल जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें शोर बहुत आ रहा था, मैंने देखा। देखिए, कुछ आइटम्स लेके आया हूँ जिमी चू पे और सिल्क पे, ज़्यादातर सिल्क पे लेके आया हूँ, अलग अलग फैब्रिक पे लेके आया हूँ। ये देखिए पीस आपको खोल के दिखा रहा हूँ, सोनू भैया पहले पकड़िए। ये देखिए, अब इसमें बारीक रेशम का काम है। जो सर्वोस्की लगी है वो जर्कन की सर्वोस्की लगी है। भैया ऐसे लीजिए, वहाँ पे शेड आ रही होगी आपके हाथ पे, ये देखिए, अब सही आ रहा है। तो सर्वोस्की पूरे में जर्कन वाली सर्वोस्की है और रेशम के संग बारीक सीक्वेंस डाल दिया, तो इसका गेटअप बहुत बढ़ गया। पीस बारीक पूरे में रेशम जाल मैचिंग रेशम है। प्राइस कितने करके बताइए, तो 2550 2550 रुपये। बाकी ज़्यादातर साड़ियों के आप स्क्रीनशॉट लेके भेजिएगा तो व्हाट्सएप पे ही आपको बता पाऊँगा जो भी आइटम मिल रही है। मेरा मेन पर्पज़ है आप मेरी शॉप पे आएँ, जो भी आइटम मिल रही है। ज़रूरी नहीं है जब तक आप ये वीडियो देखें जब तक वो पीस मिले, पीस ख़त्म भी हो जाते हैं। रोज़ नई डिज़ाइनिंग आनी है, नए तरह से माल बन रहे हैं। तो आप ये देखिए, सिर्फ एक स्टाइल पैटर्न दिखा रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ कि इस तरह के डिज़ाइन मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं आप जिस समय उस समय वही मिले। ये देखिए इसका ब्लाउज, ये इसका ब्लाउज हो गया, स्लीव्स भी है और गला बना हुआ है। ठीक है, अब एक सिल्क की साड़ी खोल लेते हैं। कलर सब में सिंगल सिंगल आएंगे, कलर सब में सिंगल सिंगल आएंगे, मतलब रिपीटेड होंगे तो भी हम उसको दिखाई नहीं रहे, सब सिंगल पीस सिंगल डिजाइन। ये देखिए सिल्क की साड़ी, पल्ले पे पूरे में सर्वोस्की का काम, एंटिक सर्वोस्की कैरी बनी हुई है यहाँ पे भी इस तरीके से, और कितना प्यारा इसमें बूटे बने हुए हैं सर्वोस्की का काम। अब ये मेरे पास 1200 से लेके 3,500 रुपये तक, 4,000 रुपये तक की रेंज है। ये वाली 1825 रुपये 1825 की है। कुछ आइटम्स के तो प्राइस बता देता हूँ, कुछ के नहीं बताता। देखिए, और ये इसका ब्लाउज, इसमें टोन टू टोन में अंदर देखिए पैटर्न में बना हुआ, पूरे में बूटी है, बारीक बूटी आपको पता चल रहा होगा, और स्लीव्स के लिए नीचे दिया हुआ। ये आप ही कर दो जरा, एक मिनट तो लाइट उसके बंद कर दीजिए, लाइट से शाइनिंग ज़्यादा आ रही होगी। ठीक है, बस सही है, आ जाओ। और एक साड़ी और, ये फैब्रिक ही अलग है, ये ऑर्गेंजा और सिल्क नहीं, कॉटन सिल्क टाइप का फैब्रिक है, इस तरह से समझिए, अलग फैब्रिक है, कॉटन सिल्क टाइप फैब्रिक। तो अब ये फैब्रिक क्या होगा, आपको ऑनलाइन देखने से कोई के मंगा ले, हो सकता है आपको पसंद आए ना आए, तो अब आप वहाँ पे जाने के बाद आप कहेंगे वापसी ले लो, तो दैट इज़ टू डिफिकल्ट फॉर अस, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आने जाने का इतना मार्जिन नहीं है, आने जाने का कोरियर चार्ज भी बुक करा जाए। लोग कहते हैं कि आप अमेजन पे, बस सही है, अमेजन पे फ्लिपकार्ट पे वापसी हो जाता है, तो अमेजन फ्लिपकार्ट आप क्या सोच रहे हो, चार्ज ऐड नहीं करके सोच रहे? कोई भी आदमी जब बेच रहा है तो वो उसका चार्ज ऐड करेगा। आप मुझसे लेते हैं तो मुझे पॉलीथीन का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा, एक कॉस्टिंग होती है, तो वो उसमें ऐड होती है, वो उसमें ऐड अलग से करते हैं, तो इसलिए वो रिटर्न फ्री है। और हमारे यहाँ जो होता है रिटर्न, यदि कोई कर देता हम तो ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि उसमें का रिटर्न आया है, उसमें इतना मार्जिन ही नहीं है कि आने जाने का मैं फ्राइड जो है मैं बहुत लूँ, पता चला मैं माइनस में हूँ। अब बात को समझिए, ये कॉटन सिल्क, अब इसमें अलग तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, ट्री बना हुआ पल्ले पे, और यहाँ पे बड़ी क्यारी इस तरह से बड़ा स्टाइलिश अलग हटके डिज़ाइन है कॉटन सिल्क टाइप। इस तरह के फैब्रिक्स के लिए आपको शॉप पे ही आके पता चलता है कि हाँ, कुछ लोगों को तो बिल्कुल नहीं पसंद और कुछ लोगों को बहुत अच्छा पसंद आएगा, क्योंकि सर्वोस्की भी इसमें दो तरह की लगी हुई है। देखिए बहुत अच्छी क्यारी, इसका गेटअप हर का अलग अलग गेटअप है। ब्लाउज देखिए, इसमें कंट्रास्ट ब्लाउज दिया हुआ है उसी के साथ मैचिंग का लाइट करके, ताकि उसका गेटअप अलग आए। एक साड़ी और खोलिए, ये येलो कलर की साड़ी सिल्क पे ही, ये देखिए
येलो कलर की अंदेज स्टाइल, अलग तरह का डिजाइन है, अलग तरह का स्टाइल है। पल्ले पे देखिए कितनी बारीक सरोस की और काम, और नीचे चौड़ा बॉर्डर दिया हुआ है, इस तरीके से चौड़ा बॉर्डर आएगा। और येलो कलर का पूरे साड़ी, अब ये येलो कलर की साड़ी आपके येलो में भी काम आएगी, आजकल पीले में चल ही रहा है, और भी जगह काम आ सकती है, मेहंदी में भी काम आ सकती है, हालांकि मेहंदी में तो लोग मेहंदी ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, लेकिन हाँ चल जाती है ग्रीन कलर के साथ में। और भी ये साड़ी का ये है कि कभी नुकसान नहीं है, कभी भी आपको आगे भी काम आती रहती है। और ये इसका ब्लाउज कंट्रास्ट ग्रीन कलर का ही मैचिंग का नीचे बॉर्डर के साथ में। एक ये देखिए जिमी चू पे साड़ी, बहुत लाइट फैब्रिक है और अच्छा है, शाइनिंग है फैब्रिक में। अभी इस पे देखिए जो साड़ी बनी हुई है कितना बारीक काम, दोरी का काम। विशाल भाई सबको फोन कर लेना, दोरी का काम है और सीक्वेंस साथ में। यहाँ से लीजिए ऐसे, ये देखो वहाँ पे आपका चेंज हो रहा होगा, और बीच में जरकन लगी हुई है पूरे में कंटास्ट रेशम का, तो बहुत अच्छा गेटअप, बीच में बूटी और पूरे में सरवोस्की का काम। तो साड़ी का गेटअप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वाइन कलर की साड़ी और कितना अच्छा गेटअप आ रहा है इसमें। ये इसका ब्लाउज हो गया, एक साड़ी और अलग हटके दिखा रहा हूँ, सिमर शिफॉन पे और पूरे में सर्वोस की और साथ में मोती पल मोती का काम। अब बॉर्डर पे भी सरोस की इस तरह से लगा हुआ, अब पल मोती का काम। 1500 पहले साड़ी देखिए, 1500 1500 की साड़ी एट माई शॉप। आप कोरियर से मंगवाएंगे तो कोरियर चार्जेस ऐड होते हैं। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं यार, 1500 की जगह पहले ही 1600 बोल दो, कस्टमर खुश है, कहते हैं जी शिपिंग फ्री। यार शिपिंग कद्दू की फ्री है, कुछ नहीं, कोई जना फ्री कुछ नहीं दे रहा होता। और ऐसे तो बहुत सारी साड़ीज होती हैं जो हम नुकसान से बेच रहे होते हैं। अब नुकसान से क्यों बेच रहे हो भाई, यार नहीं बिक रहा, डिज़ाइन पुराना हो गया, नया डिज़ाइन है उसमें डिमांड है, वो मिलती नहीं साड़ियाँ, उनकी पूर्ति जितने बनती है उससे ज़्यादा की उसकी डिमांड होती है। ये तो खैर बिल्कुल लेटेस्ट आया है, एक बात बता रहा हूँ, तो इसमें कोरियर चार्जेस अलग से ऐड है। ये अपना मार्केटिंग का फंडा होता है कि जैसे बीच में कोई कह रहा होता है कि आपको ये फ्री कर देंगे, ऐसे कर देंगे, आप क्या सोचते हो जितनी कंपनी वाले निकालते हैं सब कुछ एक्चुअल में देते हैं। और इसका प्लेन ब्लाउज इस तरह से आएगा, ये देखिए ठीक है, सिल्क की साड़ी और खोल बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, और ये फैब्रिक भी अलग है, सिल्क नहीं है, क्या फैब्रिक बोलेंगे, सॉरी मतलब ये फैब्रिक डिफरेंट है, इसका नाम नहीं बता पाऊंगा, इतने फैब्रिक आते हैं खुद को कौन सा याद रहते हैं, सच्ची बात तो यही है। अब इसमें स्टाइल किस तरह से बना हुआ ये देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे सरोस्की का काम हो गया, एक इस तरह से पूरी लाइन में, एक लाइन विदाउट, एक लाइन इस तरीके से, और ये स्टाइल जो बनाया हुआ है ना, इससे इसका गेटअप और बढ़ गया, सब वीविंग में है, और नीचे भी एक बेल चल रही है पूरे में, एक बेल नीचे चल रही है और ऊपर की साइड भी शोल्डर पे इस तरह से बेल चल रही है, ठीक है, बेल आ गई इसमें क्लियर। ये देखिए साड़ी बहुत खूबसूरत, आप स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप करिए, और ये कंफर्म है कि आपको बाद में नहीं मिलने वाली। नीचे पट्टा पेस्टिंग किया हुआ, पट्टा पेस्टिंग होने के बाद क्या हुआ, नीचे और ऊपर दोनों साइड में पट्टा पेस्टिंग है कंट्रास्ट में, आपको फॉल लगाने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉल लगाने की इसके ऊपर जरूरत नहीं होती, ये इसलिए होता है ताकि बॉर्डर आपका खराब ना हो, हिले नहीं। और ये इसका इसी तरह से कंट्रास्ट ब्लाउज आएगा,
ठीक है, पट्टी जो लगाई है इसमें वो इसीलिए लगाई है इसके साथ की कंट्रास्ट आ जाए, कुछ समझ के बनाया वो बहुत हटाई भी। एक साड़ी और लेते हैं, सिल्की येलो कलर की साड़ी ऑर्गेंजा के साथ में है ये, इसमें देखिए बराती स्टाइल कह लेते हैं, राजा रानी बने हुए हैं। और ये नीचे कंट्रास्ट में नीचे पूरे पैनल में इस तरीके से अलग टेस्ट चलेगा, बारात स्टाइल चलेगा, बीच में इस तरीके से है और सर वो उसकी का काम। तो साड़ी का गेटअप भैया कितना अच्छा आ रहा है, आ रहा है ना साड़ी का गेटअप, कंट्रास्ट पाइपिंग की हुई है ग्रीन कलर की, और ये इसका ग्रीन कलर का ब्लाउज प्लेन। सिल्क दिखा रहा हूँ तो सिल्क दिखाऊंगा, फिर मैं एक आपको ना पर्टिकुलर टेस्ट पकड़ के चलूंगा। इसके बाद की वीडियो मेरी जो है कलकत्ता स्टाइल की है, सारी शाइनिंग की अलग तरह की वीडियो है, ताकि जिसको कस्टमर को देखना है उसे एक ही तरह का पैटर्न देखने को मिले, मिक्स पैटर्न ना मिले। कोशिश करके अब इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं, छोटी छोटी वीडियोस। ये देखिए कैसा लगा ये पैटर्न, ये स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट, रेड कलर की साड़ी कंट्रास्ट में, इसमें नीचे बॉर्डर है, कंट्रास्ट बॉर्डर है, और इसी तरीके से जो बॉर्डर कंट्रास्ट दिया तो उसी का कंट्रास्ट हमने ब्लाउज दिया है, ठीक है जी। बस और किस तरीके आइटम लेके आनी है, क्या मेरा ये पैटर्न ये दिखाने का स्टाइल जो है वो सही है, पहले जैसे बीच में शुरू कर दिया था लाइव की बजाय मैंने ये शुरू किया, क्योंकि इसमें मुझे कुछ कस्टमर्स ने कहा क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी आ रही है, क्लियरिटी अच्छी आ रही है, और पर्टिकुलर चाहे आप बेशक 8-10 पीस दिखाओ लेकिन एक ही पैटर्न पकड़ के चलो, तो उसमें क्या होता है कस्टमर को समझ नहीं आता, जिसको जो लेना है वो ही होता है। अब हैंडवर्क वाले को ये नहीं लेना, जिसको ये लेना है उसे हैंडवर्क नहीं लेना, कहने तो पर्टिकुलर टेस्ट पकड़ के चलिए ना, तो आज उसी उसकी वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैं कलकत्ता स्टाइल पैटर्न पकड़ के चलूंगा, वो दिखाऊंगा आपको, वो बताइएगा मुझे, और आज की वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूर करें ना भूलें। धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो।